हेलो एवरीवन, नीलम किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ समोसे की बहुत ही बढ़िया रेसिपी। हलवाई किस तरीके से समोसे बनाते हैं, एकदम खस्तेदार, एकदम बढ़िया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ले रही हूँ लगभग 1 किलो जितना आलू। आलू को हम छील लेंगे और इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे। उसके बाद हम आलू के छोटे छोटे पीस करेंगे। एक साइज़ के पीस रखना है, बहुत ज़्यादा छोटे या बड़े नहीं रखना है, एक साइज़ के ही रखना है, तो इस बात का ध्यान रखें। फिर इसके बाद हम आलू को अच्छे से धो लेंगे। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 3 कप जितना मैदा। इसे हम अच्छे से छान लेंगे। इसके बाद हम डालेंगे इसमें स्वादानुसार नमक, थोड़ी सी अजवाइन। इसके बाद हम इसमें 1/2 कप जितना घी डालेंगे। आप चाहे तो वनस्पति घी का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स हो जाएगा तब हम इसका सख्त डोर तैयार करेंगे और इसे गीले कपड़े से ढककर 1/2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। मैं डाल रही हूँ 3 से 4 चम्मच ऑयल। ऑयल को अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे जीरा, धनिया, सौंफ और इसके बाद हम इसमें डालेंगे आलू। आलू को थोड़ी देर भूनेंगे। भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला। इसके बाद हम थोड़ी देर आलू को भूनेंगे। जब आलू अच्छे से भून जाएंगे इसमें डालेंगे हम लास्ट में गरम मसाला और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हम इसे ढककर पकाएंगे। जब आलू अच्छे से पक जाएंगे इसमें डालेंगे हम गरम मसाला और हरा धनिया और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। समोसे की स्टफिंग बनकर तैयार है। अब हम समोसे बनाएंगे तो इसके लिए हम 2 की छोटी छोटी लोइयां बनाएंगे। और आप जो है इस बात का ध्यान रखें जब भी आप समोसे बनाएं तो आटा हमेशा थोड़ा सा सख्त बनाएं। इससे क्या होगा, जब भी आप समोसे फ्राई करेंगे ना
तो समोसे जो हैं तेल में जाके फटेंगे नहीं, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। ये बहुत ही सीक्रेट ट्रिक है जो हलवाई अक्सर यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से अगर आप बनाएंगे ना, तो आपके 100% परफेक्ट तरीके से समोसे बनकर तैयार होंगे। और इसको बेलने का जो तरीका है, इस तरीके से आपको बेलना है। लंबे लंबे आकार में आप इसे बेलें, और बहुत ज़्यादा इसे ना पतला ना बेलें, ना बहुत ज़्यादा मोटा बेलें। आप देख सकते हैं मैं इसकी थिकनेस जो है कितनी रख रही हूँ। इस तरीके से आपको बनाना है, तो आप इस तरीके से बनाएं, बहुत ही बढ़िया तरीके से बनकर तैयार होंगे। इतने समय इसकी थिकनेस हमें इतनी ही रखनी है। आप देख सकते हैं ये रोटी से थोड़ी सी मोटी है। और अब इसके बाद हम एक नाइफ की हेल्प से हम इसमें बीच से कट करेंगे, दो पार्ट में करेंगे इसे, और बीच में हम इसमें साइड में ऐसे किनारे में पानी लगाएंगे इस तरीके से। आप देख सकते हैं इससे क्या होगा, जो हमारे समोसे हैं वो तलते वक्त फटेंगे नहीं। तो आप इस तरीके से ज़रूर पानी लगाएं, और इसे अच्छे से हमें पैक करना है, कहीं से भी खुला नहीं रहना चाहिए, नहीं तो हमारा जो समोसा है तेल में जाने के बाद उसमें पूरा तेल भर जाएगा और बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा। तो इस बात का ध्यान रखें, इस तरीके से पूरी अच्छे तरीके से पैक कर दें। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे स्टफिंग। तो स्टफिंग भी हमें बहुत ज़्यादा फिल नहीं करनी है, ना ही एकदम बहुत कम डालना है कि उसका खाने का स्वाद ही ना आए। तो आपको जो है हिसाब से इसमें स्टफिंग करनी है, बहुत ज़्यादा ओवरलोड ना करें, अच्छे से जो है इस तरीके से आप जो है थोड़ा सा प्रेस करके इसे भरें और ऊपर साइड में थोड़ी सी जगह छोड़ें। इस तरीके से पानी लगाएं और बीच में इस तरीके से थोड़ी सी ये प्लेट इस तरीके से बनाएं और इसे अच्छे से पैक कर दें ये इस तरीके से, ताकि आपके जो समोसे खुले ना, इस बात का ध्यान रखें। देखिए क्या बढ़िया समोसा बनकर तैयार हुआ है, एकदम हलवाई वाला। इस तरीके से बाकी सारे समोसे बनाकर हम तैयार कर लेंगे। देख सकते हैं आप बढ़िया तरीके से समोसे बनकर तैयार हैं। चलिए इसे फ्राई कर लेते हैं जल्दी से। आप जब भी समोसे फ्राई करें, धीमी आंच पे फ्राई करें। इससे क्या होगा कि आपके जो समोसे हैं ना, अंदर से एकदम सिक जाएंगे और कहीं भी कच्चापन नहीं रहेगा। तो इस बात का ध्यान रखें, समोसे हमेशा लो फ्लेम पे ही फ्राई करें। और इस तरीके से जब आप लो फ्लेम में डालेंगे ना, इस तरीके से धीमी आंच में इसे पकने दीजिए। टाइम तो लगेगा, बट जो टेस्ट आएगा ना बाद में, तो वो जो है इतना बढ़िया टेस्ट आएगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा। तो इसे जो है थोड़ा सा टाइम लगेगा, कहते हैं ना सब्र का फल बहुत मीठा होता है। तो बस ये है कि आपको भी थोड़ा पेशेंस के साथ इसे फ्राई करना पड़ेगा। इस तरीके से जो है फ्राई करें। थोड़ी देर के बाद इन्हें एक स्पून की सहायता से आप इसे पलटाएं, ना कि एक बड़े झारे से, ताकि ये टूटे ना, इस बात का ध्यान रखें। बिल्कुल हल्के हाथों से इसे हमें पलटाना है, ज़्यादा जोर नहीं लगाना है कि हमारे समोसे जो हैं वो बिखर जाएं, आप फट जाएं, तो इस बात का ध्यान रखें। समोसे अच्छे से फ्राई हो गए हैं, आप देख सकते हैं क्या बढ़िया कलर आया है इनका, धीमी आंच में कितनी बढ़िया तरीके से ये सिककर तैयार हुए हैं। और खाने में भी इतने स्वादिष्ट है ना, कि आप ये स्वाद ना कभी भूल ही नहीं पाएंगे। आप ये रेसिपी अगर आप एक बार बनाएंगे ना, तो आपका बार बार मन होगा बनाने का, आप जो है बार बार इसे बना कर खाएंगे। अब समोसे को जो है एक प्लेट या थाली में आप निकाल लीजिए, ये एकदम सिककर तैयार है, गर्मा गर्म जो है चटनी के साथ, सॉस के साथ, आप जिसके साथ चाहें उसके साथ खाइए और मज़े लीजिए बढ़िया तरीके से।
एक बार समोसे तलने के बाद आप तुरंत में ही समोसे फिर से फ्राई ना करें, तेल को थोड़ा सा ठंडा कर लें, धीमी आंच में कर लीजिए, फिर उसके बाद आप समोसे फिर से फ्राई करें। इससे क्या होगा कि आपके जो समोसे हैं ना उसमें जो बबल्स आ जाते हैं, अधिकतर आपने देखा होगा क्या होता है समोसे फ्राई करते समय बबल्स आ जाते हैं, बट ये आपकी प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाएगी। धीमी आँच में फ्राई करें, इससे आपके जो समोसे हैं एकदम बढ़िया खस्तेदार बनकर तैयार होंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो जो है अच्छा लगा हो ना तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।